फ्रेंड्स वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। हम पोइट्री शुरू कर रहे हैं बेटा। पोइट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होती है पोइट्री की, वो होती है पोइटिक डिवाइस। पोइट है ना, पोइटिक डिवाइस यूज करता है अपनी पोएम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, जिसको हिंदी में पोइटिक डिवाइसेस को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। अलंकार यानी जैसे किसी स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ऐसे ही जो पोइम है उसकी सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है, यानी पोइटिक डिवाइसेस से बढ़ती हैं। और ये टेक्निक पोइट यूज़ करता है टू क्रिएट स्पेशल और पॉइंटेड इफेक्ट, अपनी राइटिंग में पॉइंटेड इफेक्ट देने के लिए और कन्वे इन्फॉर्मेशन के लिए, कॉन्सेप्ट और आइडिया को क्लियर करने के लिए, ताकि जो रीडर्स हैं उनकी हेल्प हो सके और वो अंडरस्टैंड कर सके, यानी डीपर लेवल तक समझ सके। और राइटिंग पे एम्फेसाइज करते हैं, क्लियरिटी शो करते हैं, और जो यूज टू कॉन्टैक्ट रीडर्स मोर स्ट्रॉन्गली विद अ स्टोरी, ताकि स्टोरी से जो रीडर है वो अच्छे से स्ट्रॉन्गली जुड़ जाए और समझ पाए होल मीनिंग को, और स्पेसिफाई करेक्टर्स और जो थीम है पोइम का वो समझ पाए, इसलिए पोइटिक डिवाइसेस पोइट यूज करते हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस जो आपके सिलेबस में हैं वो आपके 12 हैं। सबसे पहले है सिमली। सिमली जिसको हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं, यानी सिमिलैरिटी दिखानी हो, दो चीज़ों की सिमिलैरिटी दिखानी हो, कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन यानी तुलना, दो चीज़ों की तुलना कर दे, लेकिन किसके साथ, एज या लाइक यूज करके। जैसे आपने माई मदर एट 66 पढ़ा है, उसमें एज लेट विंटर मून, कि हर मदर ऐसी लग रही है जैसे कि लेट विंटर मून हो, जैसे सर्दियों का चांद हो, या ऐसे बोल दो कि हर फेस इज लाइक अ मून, उसका फेस मून की तरह है, ठीक है ना। या लड़के के लिए बोल दो ही इज लाइक अ लायन, वह लायन की तरह है, तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, सिमली। और मेटाफर, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, लेकिन उसमें एज या लाइक यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूँ यू आर ए लायन, तुम एक लायन हो, यू आर ए लायन, तो इसमें क्या हो गया, तुम लाइन तो नहीं हो ना, लेकिन लाइन की क्वालिटीज़ को रखते हो, यू आर लाइन्स, तो इसमें क्या हो गया, मेटाफर। या हम ये बोल दो यू आर मून, सीधा ही बोल दें यू आर मून, तो ये क्या हो गया, आपका मेटाफर हो गया। लेकिन जब यू आर लाइक अ मून बोल दें तो ये क्या हो गया, सिमली हो गया, ठीक है ना। जब कंपैरिजन बिना लाइक और एज के करें मेटाफर, लाइक और एज यूज करके करें सिमली, ठीक है। जैसे सेकंड पॉइंट में है गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स से सीधा ही कंपैरिजन कर दिया कि उनके फेस है गस्टी वेव्स है, तो गस्टी वेव्स से दूर हैं, यानी गस्टी वेव्स लाइक और एज का यूज नहीं किया ना, तो मेटाफर। रेपिटेशन होता है जब सेम वर्ड्स और या फ्रेज लाइन में रिपीट हो, दोबारा रिपीट हो कुछ इंटरवल के बाद, उसको जैसे फार फार, दोनों बार फार फार यूज हुआ ना, तो ये क्या हो गया, आपका रिपीटेशन हो गया, यानी सेम वर्ड रिपीट हो। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होता है जिसको रेपिटेशन को बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश हिंदी में। एलिट्रेशन होता है आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं ना, अनुप्रास अलंकार, यानी जब वर्णों की बार बार सेम लेटर की बजाय साउंड, आपको याद रखना है कि जो बिगनिंग साउंड है वो सेम हो, जैसे ग्रीड गुड, ठीक है, ग्रीड गुड, दोनों में जी जी साउंड आ रही है ना, तो ये कौन सा होगा आपका एलिट्रेशन। देखो एलिट्रेशन भी दो प्रकार का होता है, एक तो वावल की साउंड रिपीट हो उसको बोलते हैं एसोलेंस, और जो कॉन्सोनेंट की साउंड अगर रिपीट हो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है। खैर आपके इतना डीप नहीं आएगा, कॉन्सोनेंस एसोनेंस नहीं आएगा, आपको सिर्फ एलिट्रेशन ही आएगा। एलिट्रेशन आपको ध्यान रखना है कि जब सेम अल्फाबेट रिपीट हो, यानी सेम साउंड रिपीट हो, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है ना, एग्जरेट करना उसको, जैसे आई रीड अ मिलियन ऑफ बुक्स दिस समर, कि इस समर में मिलियन बुक पढ़ दूंगा, लेकिन पढ़ तो नहीं पाएगा ना, हमें पता है इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन ये क्या है, हाइपरबोल है। हाइपरबोल होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, अतिशयोक्ति, यानी जब इतना बढ़ा चढ़ा के कह दे कि लोग सीमाओं का उल्लंघन हो, यानी मतलब वो परे हो बात।
हाइपरबोल का जो अपोजिट होता है वो होता है अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट होता है किसी को कम आंकना, अंडरस्टेटमेंट होता है किसी को उस कम आंकना। कम आंकना कितना मतलब, हाइपरबोल होता है बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, और अंडर एस्टिमेट होता है जब किसी को हम कम आंकते हैं। पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन जैसी क्वालिटीज़ दे दें, ठीक है ना। नॉन ह्यूमन को जब हम कैसी, जैसे आपने माई मदर एट 66 पढ़ा है, रोड एट साइट की आपके सिलेबस में नहीं है, जे जो आपने पोइम उसमें पढ़ा कि ट्री स्प्रिंटिंग, जो पेड़ है वो दौड़ रहे थे, लेकिन पेड़ दौड़ते थोड़े ना है, लेकिन पोइट ने क्या बता रखा है कि पेड़ दौड़ रहे थे, तो ट्री स्प्रिंटिंग वहाँ पे कौन सा अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे ऐसा लगता है कि बोर्ड स्माइल कर रहा है, बोर्ड स्माइल थोड़ा ना करता है, लेकिन हमने कह दिया कि आज तो ऐसा बोर्ड लग रहा है जैसे स्माइल कर रहा हो बोर्ड, तो बोर्ड स्माइल नहीं करता, लेकिन हमने पर्सन जैसी स्माइल कौन करता, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन जैसी क्वालिटीज़ जब हम किसी नॉन ह्यूमन को दे देते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन होता है जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं टू वर्ड्स का टुगेदर, एक साथ ही इकट्ठा बोलते हैं दो वर्ड्स को जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी अपोजिट मीनिंग है, जिनका दोनों का अपोजिट मीनिंग है। जैसे बेनिफिशियल बेस्ड ऊपर, ये रोड साइड आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे आपके आ जाएगी अगली ब्यूटी, ठीक है ना। अगली होता है बदसूरत, अगली लिखते हैं, जैसे प्रीटी ब्यूटी, प्रीटी अगली। प्रीटी होता है सुंदर और अगली होता है बदसूरत, प्रीटी अगली दोनों अपोजिट वर्ड हैं, लेकिन हमने यूज एक साथ कर दिए प्रीटी अगली, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीमोरोन हो गया, जब हम दो अपोजिट मीनिंग को एक साथ इकट्ठा यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जब भी आएगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब वो फिगर ऑफ स्पीच जहाँ एडवर्ब या एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नाउन के रूप में, ठीक है, जो इसे बिलोंग करती है, और नाउन फिट बैठती है ग्रामेटिकली, लेकिन लॉजिकली और प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठती। जैसे सेल्फिश कार, कार क्या है नाउन, और सेल्फिश यानी सेल्फिश कार थोड़ी ना होती है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ट्रांसफर एपिथेट। इमेजरी, इमेजरी होता है जब हमारी जो पांच सेंस ऑर्गन आपको बताया ना, जिससे हम टेस्ट करते हैं, जीव स्मेल सूंघते हैं, नो साइट नो टच हियरिंग, जब ये सारे इनमें से कोई भी सेंस हमारी कोई भी घटना को देख लेती है, महसूस करती है, तो उसको बोलते हैं इमेजरी। कि ऑथर एक ऐसी चीज़ को, ऐसे सीन को, ऐसे आइडिया को बताता है जिसको हम इमेजिन करने लग जाते हैं, यानी विजुअलाइज करने लग जाते हैं अपनी आँखों से, तो वो होता है क्या आपका इमेजरी, यानी पिक्चर बिल्कुल को सामने आ जाती है किसी चीज़ को समझाने के लिए, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर क्रिएट करने के लिए पोइट ऐसी यूज करता है। जैसे चिल्ड्रन स्पेलिंग यानी बच्चों के जो शरारत होती है, जो बच्चों का खिलखिलापन है कि बच्चे हंसी खुशी मतलब खिलते हुए निकल रहे हैं, तो बच्चों की हंसी हमारे सामने आ जाती है एक तरह से इमेज बनकर, हंसते हमें स्माइल करते हुए बच्चे दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये इमेजरी होती है जब हमारे आँखों के सामने विजुअलाइज हो जाए, या हमें कह दे कि कर्कश आवाज़, तो हमें एकदम से कर्कश आवाज़ मतलब हम ईयरिंग से समझने की कोशिश करते हैं, या कह दे कि मीठा है तो मीठा हमें टेस्ट का पता है, टेस्ट हम सूंघने लग जाएंगे, बैड स्मेल गुड स्मेल, तो ऐसे जो हम पांच सेंस ऑर्गन से जो महसूस करते हैं, यानी जब हमारी सामने वो इमेज बनती है तो उसको इमेजरी बोलते हैं। और लास्ट आपका सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म रेफर करता है किसी ऑब्जेक्ट या फिगर इवेंट को ऐसे करते हैं, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो डीप मीनिंग को, जैसे आपका वेडिंग बैंड, आंट जेनिफर टाइगर, ये आपकी फिफ्थ पोइम है, वैसे तो सिक्स्थ है लेकिन रोड साइड सिलेबस में नहीं है, तो एंट जेनिफर ये फिफ्थ पोइम है। वेडिंग बैंड या जो शादी का बैंड है वो सिंबलाइज कर रहा है किसकी, शादी का बैंड किसको सिंबलाइज कर रहा है, उसकी जो मैरिज के बाद जो ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है ना, हाउस में काम करने की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको शो कर रहे हैं। या आपको जैसे देखो रोड पे जो रेड लाइट होती है वो शो करती है स्टॉप होने के लिए, ठीक है, तो ग्रीन लाइट होती है गो के लिए, तो ये सिंबलाइज है सिंबलिज्म। क्लियर। तो ये आपकी पोएटिक डिवाइसेस थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम पोएम में करते रहेंगे साथ के साथ। थैंक यू।